आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका टॉपिक जो है सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग को सेकेंड जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपका मेन दोनों टॉपिक यही दोनों है। ये फर्दर डिवाइड हुआ आपका, इसमें हम लोग नर्स डिविजन पढ़ेंगे, आपको 11th में बताए थे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिर हम लोग कोलेरेक्स लॉ और भी डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे। थर्ड जो है आपका टॉपिक वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आपको हम बेसिक में बताए थे रिडॉक्स रिएक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग ही आपको इस चैप्टर में फायदा देगा। तो रिडॉक्स रिएक्शंस जैसा कि हम लोग बताए थे, तो हम लोग स्टार्टिंग आपको जैसे बुक में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम उस हिसाब से आपको नहीं बता रहे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली देखिए ये आपका एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, कंप्लीट न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए इसका बेस जो है वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग टॉपिक आप पहले से जानते हैं सब मैटर। हम कुछ कुछ बताते चले जाएंगे, आप समझते चले जाइएगा। तो यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दो लॉ इन्होंने दिया था फैराडे ने, एक को हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से जानते हैं, एक को फैराडे सेकेंड लॉ से। तो फर्स्ट और सेकेंड जानने के पहले हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के पहले सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपका 11 से रिलेटेड था वो हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सबसे मेन पॉइंट आपका है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप पहले से जानते हैं। तो फैराडे लॉ में हम आपको बताना चाहेंगे ये फैराडे क्या है आपका। तो एक तो आपका नेम ऑफ साइंटिस्ट फैराडे, और दूसरा ये फैराडे जो है इट इज ऑल्सो यूनिट, इसको स्मॉल एफ कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, जैसे न्यूटन को एन से, न्यूटन नाम भी है, न्यूटन यूनिट भी है, जूल नाम भी है, जूल यूनिट भी है, उसी तरह फैराडे नाम भी है, फैराडे यूनिट भी है। तो किसका यूनिट है भाई? तो ये आपका यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी इनका जो वैल्यू होगा वो आपका कूलम में आने वाला है। तो एक फैराडे में वन फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम हम लोग अप्रोक्स लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू जो आपका 96487 कूलम होता है, तो आप इसको कंसीडर कीजिएगा 96500 कूलम एक फैराडे में। तो यूनिट ऑफ चार्ज है, तो ये भी हमको जानना चाहिए कि अगर आपको बोला पूछा जाए कि आखिर फैराडे को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन वन फैराडे, तो वन फैराडे जो है वो आपका क्या है? तो आपको सिर्फ यूनिट ऑफ चार्ज या एक फैराडे में 96500 कूलम बोलने से काम नहीं चलेगा। तो एक फैराडे में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एक फैराडे, एक्चुअली में एक फैराडे है क्या? तो चार्ज ऑन है, तो चार्ज ही, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा उसी को वन फैराडे बोलते हैं, इज इक्वल्स टू वन फैराडे। और इसी का वैल्यू 96500 कूलम आएगा। कैसे आएगा? देखिए, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज, तो एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एवोगैड्रो नंबर इतना बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का है। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज यानी इंटू कितना, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना आने वाला है अप्रोक्स, यानी 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज
को ही एक फ्राइडे बोला जाता है, जिसका एक फिक्स वैल्यू हम लोग को न्यूमेरिकल्स में लेके चलना है, दैट इज 96500 कूलम। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपको, यानी यहां पर चार्ज का चर्चा होगा आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, अब क्योंकि आपका हम लोग पढ़े हैं सिंस, या हम लोग जानते हैं पहले से Q इज इक्वल टू आई टी होता है, राइज करंट एम्पियर में, और टी आपका टाइम है, तो यहां पर एम्पियर और टी टाइम को सेकंड में लेना है। एम्पियर सेकंड को ही हम लोग कूलम बोलते हैं, जो कि ऐसा यूनिट है आपका चार्ज का। ठीक है, यानी जब कूलम का चर्चा आएगा क्वेश्चन में चार्ज का, तो करंट और एम्पियर, करंट और टाइम भी आएगा, तो टाइम आपको सेकंड में लेना है, करंट को आपको एम्पियर में लेके चलना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए आपको चार्ज कभी कभी माइक्रो कूलम में दिया जाता है, तो माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम में 10^-6 कूलम होता है, करंट एम्पियर मिली एम्पियर में होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा, तो 1 mA में 10^-3 A होगा। टाइम को सेकंड में लेना है, करंट को एम्पियर में लेना है। बात समझ में आ गया, ये आपका बेसिक अभी चल, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा। नेक्स्ट, अब जैसे हम पूछे आपसे कि एक वायर है, ये क्वेश्चन है आपका, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, एक वायर है आपका गुड कंडक्टर, इससे मान लीजिए करंट 6 A फ्लो कर रहा है, कितने देर के लिए भाई, 10 मिनट्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, अभी जो बता रहे हैं ये बेसिक आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा फैराडे लॉ वाला। तो बात समझिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे क्यू बराबर आई टी से। आई तो मेरा 6 A दिया ही हुआ है, टी को सेकेंड में चेंज करना, हम आपको पहले भी बताया था, तो ये सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 10 × 60 हो जाएगा, इतना सेकेंड हो गया, एम्पियर सेकेंड कूलम में आएगा, तो 600 × 6 = 3600 हो गया, इतना कूलम हो गया। ठीक है, अब हम लोग इतना कूलम ले आए हैं, अब हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड किस सेंस में, हम जानते हैं कि एक फ्राइडे में 96500 कूलम होता है, एक फ्राइडे में, तो एक फ्राइडे में 96500 कूलम होता है, तो हम लिखेंगे 1 Fd = 96500 कूलम, लिख दिया। तो हम पहले फ्राइडे निकालें, कूलम्स के हिसाब से निकालेंगे, कैसे, देखिए एक फ्राइडे में 96500 कूलम, और आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कि 96500 कूलम जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज है, यानी एन ए इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज होगा। तो आप लिखिएगा क्या, 96500 कूलम में, है ना, एन ए इलेक्ट्रॉन्स होता है, नहीं होता है, 96500 कूलम में एन ए इलेक्ट्रॉन्स, या आपका ये एक फ्राइडे में एन ए इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6.022 × 10^23। तो एक कूलम में कितना होगा, एक कूलम में होगा एन ए बाई 96500, कितना इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन आपका टोटल चार्ज कितना है, 3600, तो 3600 में कितना होगा, निकाल दीजिए, एन ए बाई 96500 × 3600, इतना इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक फ्राइडे में 96500 कूलम, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, और एक फ्राइडे में 96500 कूलम और 96500 कूलम में एवोगैड्रो नंबर, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका कॉन्सेप्ट जो आने वाला है, वो इसमें यूज होगा आपका द टर्म नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे आप नंबर ऑफ मोल जानते हैं, उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टर्म आने वाला है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आपका होता है, गिवन वेट, अगर यहां पे मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिएगा तो वो आपका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, इक्विवेलेंट है इसीलिए गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होगा, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट।
इक्वेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्वेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। इसको हम तोड़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस टर्म से आप अवेयर हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्लास 11, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज नंबर ऑफ मोल इनटू क्या आ गया, वैलेंसी फैक्टर। ये वीएफ जो है वैलेंसी फैक्टर है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आपका आ गया वो आ गया आपका नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते हैं, सबका निकाल लीजिएगा एटम, इंडिविजुअल एटम को जोड़ के। वैलेंसी फैक्टर तो है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक 11th में हम आपको बताए थे, लेकिन यहां पर बेसिकली आपको माइनर रिक्वायरमेंट्स है वैलेंसी फैक्टर का। आप वैलेंसी फैक्टर को चार्ज लेके चलना है आपको, चार्ज करने का मतलब जैसे Fe प्लस 2 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, Fe प्लस 3 है इसका वैलेंसी फैक्टर प्लस 3 हो गया, एल्यूमिनियम प्लस 3 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया, Cu प्लस है तो इसका 1 हो गया, Cu प्लस 2 क्यूप्रिक है तो इसका 2 हो गया, ठीक है, K प्लस है तो इसका 1 हो गया, समझ रहे हैं बात। Ni प्लस 2 है तो इसका 2 हो गया, यानी वैलेंसी फैक्टर आपको आयंस पर के चार्ज को कंसिडर करना है। यहां पर बेसिकली वैलेंसी फैक्टर यहीं तक सीमित होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसमें, किस सेंस में ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट इस सेंस में होने वाला है कि आपको वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट आयंस नहीं लिखेगा, कंपाउंड लिखेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा Al2SO4O3, तो आपको कटायन पर का चार्ज, कटायन पर का चार्ज को ही वैलेंसी फैक्टर लेके चलना है। यहाँ पे कटायन कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस 3, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया प्लस 3। जैसे NiNO3O2, तो NiNO3O2 ये कैसे बना, Ni प्लस 2 से बना और नाइट्रेट आयन NO3- से बना, बना कि नहीं, तो इसका वैलेंसी आपको कटायन कंसिडर करना है, कितना है इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इसका 2 लेके चलना है वैलेंसी फैक्टर, जो चार्ज होगा कटायन पर का, AlCl3 है, कैसे बना, Al तो प्लस 3 में रहेगा और Cl माइनस है, इसको 3 से बैलेंस करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो कटायन पर का जो चार्ज है वही उसका, यानी AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर प्लस 3 लेना है, इसका प्लस 2, Al2SO4O3 का प्लस 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH3, तो एल्यूमिनियम कहीं पर भी रहेगा प्लस 3 रहेगा, जिंक कहीं पर भी रहेगा प्लस 2 में ही रहेगा, सिल्वर कहीं पर भी रहेगा प्लस 1 में रहेगा, समझ रहे हैं बात। K2SO4, अब मान लीजिए K2SO4 है तो इसको कैसे आप बैलेंस करते, K तो प्लस ही में रहेगा, प्लस SO4 2 माइनस, अभी चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर इसका 1 ही होगा, K प्लस, ठीक है, बैलेंस वाला नहीं ऐड करेंगे। तो ये आपका टॉपिक था, इसको इसके बाद हम लोग लॉ स्टार्ट करेंगे।